हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं रिव्यू करूंगा आपके सामने एलईडी म्यूज़िक बल्ब का, जो मैंने अमेज़ॉन से लिया है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक मिलता है इसके अंदर एलईडी कलर कंट्रोल का, और ये है वो बल्ब में। यहाँ पर इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है और यहाँ पर लाइट जलती है, और कनेक्टर इसका इस तरह से है, तो इसको हम सीधा उसमें लगाते हैं, होल्डर में लगाते हैं, देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है और इसका रंग कैसा चेंज होता है। तो दोस्तों, ये बल्ब मैंने इंस्टॉल कर दिया है होल्डर में। सिंपल होल्डर की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ एडाप्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। स्विच ऑन करते के साथ ही इसमें से एक आवाज़ आती है, जो कि इसका ब्लूटूथ इंडिकेटर है कि ब्लूटूथ इसका चालू हो चुका है, और ये वाइट लाइट जल जाती है इसकी। और दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये इसको मैं ब्लूटूथ से अब कनेक्ट करूँगा इसको, और ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया है। और ये जो BT01 करके आ रहा है, यही इसका ब्लूटूथ है, और ये कनेक्ट हो गया है। इस समय कनेक्ट होते के साथ ही इसमें से एक आवाज़ आती है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ गाने बजाऊंगा। और दोस्तों, इसके अंदर मैंने गाना चला दिया है, देख सकते हैं। और ये आवाज़ इसमें से, इस समय इसमें से आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी आवाज़ सुनवाया तो मैं इसकी कितनी क्लियर आवाज़ है। और वॉल्यूम कंट्रोल दोस्तों उसका मोबाइल से ही होता है, आप देख सकते हैं। इसकी आवाज़ की बात करें तो दोस्तों, उसकी आवाज़ अच्छी है, मगर ज़्यादा हाईफाई नहीं है। मतलब इसमें वूफर वगैरह नहीं है, लेकिन इतनी घटिया आवाज़ भी नहीं है। आप इसको लगा के एक एम्बिएंट म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। अब इसमें मैं गाने भी चलाता हूँ और इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। और ये इसका रिमोट है, आप देख सकते हैं, इसमें आपको सारे कलर मिल जाएंगे मोटे मोटे। और ये इसका कम ज़्यादा का, ये ऑन ऑफ का है, ये RGB है सिंपल, और यहाँ पर इसके कलर हैं, और यहाँ पर एक अलग से मोड दे रखे हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले R से। ये रेड हो गया पूरी तरह से, इसके नीचे जो कलर है थोड़ा सा ऑरेंजिश है, ये देखिए, ये येलोइश थोड़ा सा, और ये बिल्कुल येलो कलर, ये वाला येलो कलर हो चुका है बिल्कुल। इसका दोस्तों रिमोट ना थोड़ा सा पास ले जाके करना पड़ता है, इसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक है जो मैंने देखा, ये वाला। अब ग्रीन दबाते हैं, ग्रीन और ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, पिंक, और ये कुछ इसके अंदर, ये तो वाइट कलर है इसका, सिंपल वाइट। और ये इसके अंदर कुछ मोड्स हैं, जैसे फ्लैश, जैसा आप देख सकते हैं इसमें फ्लैश वन, फ्लैश, ये स्टोन, और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ मोड्स हैं। मोड्स को ट्राई करते हैं पहले। तो इसमें पूरा आप अपना एक DJ का मजा ले सकते हो, आप घर में छोटा सा एक एटमॉस्फेयर बना के। गाने भी इसकी आवाज़ भी अच्छी है, और फ्लैश जलता रहेगा इसमें आपका। और दूसरा मोड इसका है ये वाला, दूसरा मोड इसका ये वाला है, दबा के देखते हैं, धीरे फ्लैश करेगा अभी। एक इसका ये वाला मोड है, और इसका लास्ट में ये वाला मोड है स्मूथ। अब एक चीज़ दिखाता था दोस्तों मैं आपको, हम इसको रेड करते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं, इसको कम करना है आपको, ज़्यादा करना है, ये सब वैल्यूज होती है इसमें। इसको मैं कम करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन लाइट का जो कलर है काफ़ी कम हो चुका है। तो रात को जब आप म्यूज़िक चलाते हैं तो उसको पूरी तरह से आप लो कर सकते हैं इसको, और उसको बढ़ाता हूँ मैं।
अभी सिंपल गाना ट्राई करा था मैंने, अब थोड़ा सा इसके बीट वाला गाना ट्राई करता हूँ। अब दोस्तों उसकी कॉन्स और प्रोस की बात कर लेते हैं। कॉन्स इसके अंदर ये है कि इसका जो रिमोट है ये वाला, इसकी और इसकी कनेक्टिविटी बहुत थोड़ी ढीली सी है, मतलब आपको बटन दबाना पड़ता है दो तीन बार, एक बार में नहीं होता, कभी कभार बहुत बार आपको प्रेस करना पड़ता है, कभी कभार इसका ये कम ज़्यादा जो लाइट होती है ये नहीं हो पाता ठीक से, और मतलब थोड़ा सा रिमोट की कनेक्टिविटी इसकी कम है। दूसरा ये है कि जब भी हम इसे ऑफ़ करके ऑन करेंगे, तो जैसे आपने कहीं रात को अपने बेडरूम में लगा रखा है, सब सो रहे हैं, आप चाहते हैं इसको नाइट लैंप की तरह यूज़ करना, तो उसको जब भी हम ऑफ़ करेंगे और उसको दोबारा ऑन करेंगे तो इसमें से एक आवाज़ आएगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है अगर रात को आप सो रहे हो या कोई भी सो रहे हो तो। और प्रोज इसका ये है कि ये बहुत कम इसकी रोशनी में भी काम कर सकता है, मतलब हम इसको बिल्कुल नाइट लैंप की तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, एक तरह से हम एटमॉस्फेयर बना सकते हैं जिसके अंदर हम जो है अपना डांस वांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये बहुत सस्ता है, और सबसे बड़ी बात इसकी दोस्तों ये है कि ये बहुत सस्ता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने इसके, आप चाहो तो जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, मेरे इसमें कोई कमीशन नहीं है, बस मैं प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ, तो ये ध्यान रखिए अगर आपको लग रहा हो कोई कमीशन है तो ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें जो नीचे की तरफ देख सकते हो यहाँ की तरफ ये कुछ इसके म्यूज़िक कंट्रोल सिस्टम है, बट क्योंकि हम मोबाइल से ऑपरेट करते हैं इसे तो मोबाइल में सारे आपके कनेक्शन मिल जाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रॉम Tech Delight।